सो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडस गेम के बारे में। एंड बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे इंडस की कम्युनिटी है वहाँ पर काफी सारे मिसकंसेप्शन हैं इंडस गेम को लेकर। एंड जहाँ पर हमने देखा कि कई बार लोग कह देते हैं कि इंडस इसका कॉपी है, उसका कॉपी है, कई बार तो इतनी इलॉजिकल चीजें बोलते हैं कि मुझे समझ में ही नहीं आता। शायद से उन लोगों को इन सभी चीजों का नॉलेज नहीं है जो कि मार्केट में चल रही है। एंड शायद से इंडिया में उस लेवल पे गेम डेवलपमेंट वगैरह की भी नॉलेज नहीं दी जाती है, तो लोगों को इतना पता नहीं है। एंड इस वीडियो में आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं इंडस गेम को लेकर के, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड अगर आप लोगों को मेरी किसी भी बात पे कोई प्रॉब्लम लगती है या फिर आपको लगता है कि मैं कहीं पर गलत हूं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने ना इंडस की डेवलपमेंट को बिल्कुल स्टार्टिंग से देखा है, जब गेम बनना स्टार्ट हुआ था अप्रोक्स 2021 में। एंड तब मैंने जा करके सुपर गेमिंग के ऑफिस में इस गेम को ट्राई भी करा था, और ये इंडस गेम की डेवलपमेंट की बहुत ही अर्ली स्टेज थी, जहां पर इंडस गेम की कोशिश थी एक ऐसा गेम बनाना जो कि वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके। एंड आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि इंडस से पहले सुपर गेमिंग का एक और शूटर गेम था जो कि था मास गन। एंड उस टाइम से ही लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे बैटल रॉयल की, तो उसके बाद यहाँ पर कंपनी ने इंडस बैटल रॉयल गेम पे काम करना स्टार्ट किया और ये पूरा गेम स्क्रैच से बनाना स्टार्ट किया। इवन जो गेम लोर है, गेम मैकेनिक्स है, सभी कुछ बिल्कुल स्क्रैच से बनाना स्टार्ट किया। एंड मुझे लगता है कि उस टाइम पे किसी भी कंपनी ने सोचा तक नहीं था इतने बड़े गेम को मोबाइल डिवाइसेस पे लाने के लिए, क्योंकि इतने बड़े गेम को मोबाइल डिवाइसेस पे चलाने के लिए आपके पास वन ऑफ द बेस्ट टेक होना चाहिए एंड ऐसे लोग होने चाहिए जो उस पे काम कर सके और ऐसा बड़ा ट्रिपल ए लेवल गेम बना सके। इससे पहले कि हम लोग गेम टेक के बारे में ज्यादा बात करें, मैं बात करना चाहता हूँ कि जो लोग ये बोलते हैं कि गेम एपेक्स का कॉपी है, फायरलाइट का कॉपी है, या फिर उनके हिसाब से जिसका भी कॉपी हो, तो मेरे हिसाब से गेम जो है ना वो इवोल्यूशन के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि डूम गेम जब लॉन्च हुआ वो अपने टाइम का वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट पर्सन शूटर गेम था। एंड फिर उसी इंस्पिरेशन को लेकर के उसके बाद से कितने सारे शूटर गेम इवॉल्व हुए, कितने बड़े बड़े गेम आए, कॉल ऑफ ड्यूटी सीरीज, हैलो सीरीज, इवन शूटर के अलग अलग जॉनरा बन गए, उसमें बैटल रॉयल आया, उसमें अलग अलग मोड्स आए, और वो एक छोटा सा शूटर जॉनर आज कितना बड़ा हो गया है। एंड पास्ट में भी बहुत सारे गेम्स के साथ ऐसा हो चुका है कि जब वो यहाँ पर लॉन्च होता है तो लोग उसे दूसरे गेम से कंपेयर करते हैं, और टाइम के साथ धीरे धीरे गेम की अपनी पहचान बनती जाती है एंड गेम अपडेट्स के साथ साथ गेम इवॉल्व होता रहता है। तो अभी ना मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करने वाला हूँ कि इंडस गेम जो है वो दूसरे बैटल रॉयल गेम से कैसे डिफरेंट है। सो जो सबसे पहला पॉइंट है मेरा वो है स्टोरी। सो यहाँ पर इंडस की जो पूरी स्टोरी है, इंडस सिविलाइजेशन के चारों ओर घूमती है और हमारे रिच इंडियन कल्चर को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करती है। जैसे इंडस का एक पोखरान कैरेक्टर हमारे फेमस साइंटिस्ट होमी जे भाभा को ऑनर करने के लिए बनाया गया है, या फिर वो हीना का कैरेक्टर हो जो कि हमारे एक इंडियन एथलीट को एम्पावर करने के लिए लाया गया, या फिर मेघ बालिका जो हमारी इंडियन गर्ल्स को रिप्रेजेंट करती है। एंड ऐसी बहुत सारी स्टोरीज एंड हमारे इंडियन कल्चर से इंस्पायर्ड गेम में और भी कैरेक्टर्स हैं। एंड मुझे तो यहाँ पर एक ग्रेट वे लगता है कि आप अपने कल्चर को या तो मूवीज के थ्रू या गेम्स के थ्रू पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हो। आपने भी यहाँ पर कई सारे वेस्टर्न, जापानीज मूवी शोज एंड गेम्स देखे होंगे जिससे आपको उनके कल्चर का कुछ बहुत तो नॉलेज मिला ही होगा। सो इंडस भी अपनी गेम की स्टोरी के थ्रू वर्ल्ड को अपना इंडियन कल्चर दिखाना चाहता है। एंड इंडस की जो स्टोरी है ना वो ऐसी नहीं होगी कि अभी एक सीजन में कुछ और है, दूसरे सीजन में कुछ और है, तो जब भी यहाँ पर गेम प्रॉपर लॉन्च होगा ना तो आप लोगों को प्रॉपर स्टोरी मिलेगी सभी सीजन्स की, और ये सभी चीजें ना कनेक्टेड होंगी एक दूसरे से। बाकी मैंने इंडस गेम की स्टोरी भी एक डिटेल वीडियो बना रखा है और उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड यहाँ पर जो दूसरी बड़ी चीज है वो है गेम का आर्ट। एंड गेम के आर्ट से ना आप लोग रिलेट कर सकते हो, और आर्ट में कई सारे इंडियन एलिमेंट्स हैं। एंड इंडस का लोर ये इंडो फ्यूचरिस्ट, मतलब इंडिया का एक फ्यूचरिस्टिक वर्जन। अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो जैसे अफ्रीका का वकांडा है, अगर इंडिया वैसा होता तो कैसा दिखता, तो उन्होंने अपने आर्ट के थ्रू इस चीज को गेम में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि इंडस को दूसरे बैटल रॉयल गेम से काफी ज्यादा डिफरेंट बनाती है, इवन अगर हम लोग बात करें बैटल रॉयल की भी, तो मुझे लगता है कि इंडस जो है वे एक बैटल रॉयल का सब जॉनर है। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले ही बात करी थी कि शूटर जॉनरा इवॉल्व होते होते कैसे इतनी सारी कैटेगरीज में ट्रांसफॉर्म हो गया। एंड वैसे ही मुझे लगता है कि बैटल रॉयल भी अलग अलग जॉनराज में अभी बटने वाला है, क्योंकि अगर आप इंडस गेम के इम्पोर्टेंट गेम मैकेनिक्स को ही देखते हो तो वो ही बैटल रॉयल से काफी डिफरेंट है, जहां बैटल रॉयल पे होता है कि जो लास्ट मैन स्टैंडिंग है वही जीतता है। बट इंडस का जो मेन कॉन्सेप्ट है वही यही है कि यहाँ पर जो कॉस्मियम को सबसे पहले गैदर कर लेगा वो बंदा ही मैच जीतेगा। एंड मुझे लगता है कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोग कभी नोटिस ही नहीं करते हो। एंड सेकंड चीज, यहाँ पर गेम अपनी क्लोज बीटा स्टेट से धीरे धीरे अब गेम लॉन्च की तरफ बढ़ रहा है, और गेम में ऐसे कई सारे फीचर्स आने वाले हैं जो कि गेम को दूसरे बैटल रॉयल गेम से बिल्कुल डिफरेंट और शायद फ्यूचर में उनसे भी ज्यादा अच्छा और मजेदार बना देंगे। जिसमें से जो फीचर मुझे सबसे अच्छा लगा वो है ग्रज सिस्टम। We have this interesting idea that we're kind of currently working on, which is if somebody shoots you down in a game, you declare him your nemesis, and every time that he jumps inside of a next game, you have a chance to kind of jump into that game with him.
and kind of interesting, you know. So that's kind of, we think that, you know, with a lot of PvP mechanics, you know, you have people who are on a Nemesis leaderboard. You know, wait, I am so obsessed with this. This will be so funny if it were like you just follow this one person around. So you do have, you know, two-way blocking. You can, like, declare your friends your nemesis even though they've done nothing to wrong you. So basically, Grus system game ke andar ek fun element add karega aur game mein jab koi player aapko knock kar dega to aap usse grudge le sakte ho. और फ्यूचर में आप उस बंदे के मैच में जाकर के उससे ग्रज ले सकते हो एंड इसका एक अलग से लीडरबोर्ड भी होगा. सो इन कई सारे फीचर्स की वजह से और भी ज्यादा इम्प्रूव अपडेटेड एंड फन होने वाला है. एंड मैं कई सारे लोगों को देख रहा था जो कि इंडस के सुपर प्लेटफॉर्म का मजाक उड़ा रहे थे एंड मुझे पता है कि उन्हें गेम डेवलपमेंट का 0% भी नॉलेज नहीं है और सिर्फ उन्हें बकवास करनी आती है. तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, बैंडाई नामको जैसी बड़ी कंपनी जिन्होंने टेकन, एल्डर रिंग, पैकमैन जैसे गेम्स पब्लिश करे वो भी यहाँ पर सुपर प्लेटफॉर्म की सर्विसेज का यूज करते हैं. इवन बैंडाई को तो सुपर गेमिंग में एज अ इन्वेस्टर भी है एंड मुझे लगता है कि उन बड़े गेमिंग जायंट्स को आपसे ज्यादा तो नॉलेज होगी. और रिसेंटली वर्ल्ड की सबसे बड़ी गेमिंग कॉन्फ्रेंस GDC में इंडस ने अपने टेक को शोकेस करा और इस पे उन्हें बहुत सारी बड़ी कंपनी से प्रेज मिला. वंडरफुल, आई एम रियली प्राउड ऑफ ऑल द वर्क ही पुट इनटू इट, यू नो, आई गॉट टू सी इट एट सेवरल स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस एंड आई थिंक ही एंड द होल टीम डिड अ फैंटास्टिक जॉब. इट्स honestly the best looking presentation I've seen at the conference so far, and he did a great job presenting it, so fantastic. Thank you Blake. Interesting to see, like, this insight into the process of, like, what seems to be, like, highly analytical and sort of self-aware development process. And then, yes, the presentation has got to be one of the visually best executed ones. And last mein main ek cheez kehna chahta hu as a gamer and game developer कि हमें हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए एंड सेलिब्रेट करना चाहिए कि जो सुपर गेमिंग इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए कर रही है उसका एक बड़ा इम्पैक्ट आप लोग को फ्यूचर में देखने को मिलेगा. क्योंकि एक गेम कंपनी के ग्रो होने से पूरा गेमिंग इकोसिस्टम ग्रो होता है. एज अ गेमर आप भी ग्रो होगे, गेम का टेक ग्रो होगा, इंडिया भी गेम डेवलपमेंट की फील्ड में और ज्यादा ग्रो होगा. एंड मुझे लगता है कि चाहे जो भी गेमिंग स्टूडियो हो, सुपर गेमिंग हो या फिर कोई दूसरा स्टूडियो, हमें हमेशा उन्हें सपोर्ट करना चाहिए जिससे हमारा ओवरऑल इंडियन गेमिंग इकोसिस्टम बूम हो. और ऐसा भी नहीं है कि गेम में कमियां नहीं है, गेम में अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. जब मुझे पहली बार गेम का क्लोज बीटा मिला था तब मुझे हार्डली मेरे फोन पे 20-30 FPS मिलते थे, बट मेरे को भी रिसेंट टाइम में 50 FPS मिलते हैं जो कि एज कम्पेयर टू परफॉर्मेंस के हिसाब से BGMI या COD से काफी कम है. और अगर आपकी स्क्वाड नहीं है एंड आप क्वाड मैच में अकेले खेल रहे हो तो गेम कभी कभी काफी बोरिंग फील होता है. इवन गेम में कई सारे ग्लिचेस भी हैं, बट हाँ, गेम क्लोज बीटा में है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमें गेम का एक बेटर वर्जन मिलेगा. एंड इवन आपको भी अगर कोई बग्स मिलते हैं या गेम में प्रॉब्लम मिलती है तो प्लीज टीम को बोलिए, बताइए कि ये चीज सुधारने की जरूरत है, क्योंकि बिना पॉजिटिव क्रिटिसिज्म एंड फीडबैक के गेम नहीं इंप्रूव होते हैं. तो आप लोग भी टीम को अपना फीडबैक दीजिए गेम को इंप्रूव करने के लिए एंड अननेसेसरी हेट की जगह पॉजिटिव क्रिटिसिज्म दीजिए ताकि गेम फ्यूचर में और इंप्रूव हो. एंड आप टीम को सजेशंस भी दे सकते हो, चाहे वो फीचर्स ऐड करने हो या फिर कोई ग्राफिक्स इंप्रूवमेंट हो, आप सभी चीजें फीडबैक एंड सजेशंस में दे सकते हो. एंड मैं आप लोगों से भी एक बात कहना चाहूंगा कि आपके स्ट्रगलिंग फेज में आपको सभी क्रिटिसाइज करते हैं और जब आप किसी भी फील्ड पे सक्सेस पा लेते हो तो वही लोग आके बोलते हैं मुझे तो पता था कि ये ग्रो होगा या फिर आगे जाएगा, क्योंकि फेलियर इज नॉट अ अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस. तो हमेशा काम करते रहिए, खुद को इम्प्रूव करते रहिए. तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. एंड अगर आप लोग के और भी कोई क्वेश्चन हो या फिर आप चाहते हो मैं फ्यूचर में उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा.